तीर्थांकर महावीर विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज ने टीएमयू के देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी साख बढ़ाई है। कॉलेज के उपप्राचार्य डॉक्टर नवनीत कुमार समेत 19 देश के जाने माने विशेषज्ञों की टीम ने स्प्रे इंटेलिजेंट थीफ आइडेंटिफायर थ्रू यूवी जेल बनाया है। इससे चोरों की त्रुटि रहित और सटीक पहचान हो सकेगी। इस एरिया के पेटेंट विशेषज्ञों का मानना है कि यूवी जेल स्प्रे चोरों की पहचान मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर नवनीत के अलावा 1.5 दर्जन नामचीन विशेषज्ञों की इस टीम ने कामयाबी का पहला चरण पार कर लिया है। केंद्र सरकार की ओर से पेटेंट एक्ट ने उनके इस इनोवेशन को 1 मार्च 2019 को मान्यता प्रदान करते हुए इसे प्रकाशित कर दिया है। इसे सिद्ध होता है कि इस तरह की डिवाइस देश में अभी तक नहीं खोजी गई है। ये बात दीगर है कि वैश्विक पटल पर अब तक इस तरह की 1 दर्जन डिवाइस बन चुकी है। ये जेल डिटेक्टिव डिवाइस सिस्टम के संग काम करता है। इसकी खास बात ये है कि जब भी कहीं चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाएगा तो ये जेल चोरों के शरीर में चला जाएगा और डिवाइस में एक बार कोड जनरेट हो जाएगा, जिसके चलते ये एक पुख्ता सबूत के रूप में काम आएगा। शरीर में इसका असर करीब 20 से 34 माह तक रहता है। डॉक्टर नवनीत ने इस डिवाइस को बनाने में बायोकेमिकल फील्ड में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इस प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए भारत के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के विशेषज्ञों की टीम समर्पित है। इनमें टीएमयू से डॉक्टर नवनीत कुमार के अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्रेम शंकर गुप्ता, गोदावरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से प्रोफेसर एमवी संगमेश्वर राव, रामचंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज से ही प्रोफेसर वी सूर्य नारायण, असिस्टेंट प्रोफेसर सीएच हेमानंद, केएसआरएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आंध्र प्रदेश से डॉक्टर रथन्नम, सीबीआईटी आंध्र प्रदेश से ही मोहम्मद असलम, एम परमभ्रम राव गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे से असिस्टेंट प्रोफेसर हेमंत चवन, जेएसपीएम पुणे से सुभाष गुलाब राव राठौर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से प्रोफेसर वेलेरियन लोबो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना से डॉक्टर रामगोपाल, पीवीपीआईटी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पुणे से प्रियंका मनोज तंबत, आईआईटी बीएचयू से डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर संदीप कुमार गुप्ता, डॉक्टर यशपाल सिंह, प्रोफेसर विप्लव कुमार सरकार शामिल है। इन विशेषज्ञों के साथ तुर्की के निवेशियर एचबीयू यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सैदर वुरल भी इस विशेषज्ञों के दल का हिस्सा हैं। इसलिए मैंने इसको ये ऑर्डिनरी एप्लीकेशन है, ऑर्डिनरी पेटेंट है। ऑर्डिनरी पेटेंट कई टाइप्स के होते हैं, तो उसमें ऑर्डिनरी पेटेंट ही होता है। तो उसको पब्लिश केवल अभी पब्लिश हुआ है, उसको हमने पब्लिश कर लिया है। दिस इज आवर वर्क इज ऑथेंटिक, नो प्रॉब्लम, बट वी आर गोइंग टू मिनिमाइज द टाइम पीरियड ऑफ द टेस्टिंग। नहीं, जैसे कि मैं कह रहा था कि इसमें जो 19 लोगों की भागीदारी है, पार्टिसिपेशन है, किस किस फील्ड के 19 लोग हैं सर? केमिकल इंजीनियरिंग के फील्ड के हैं, केमिस्ट्री के हैं, आईटी के हैं और फिजिक्स के भी हैं। कुछ सर आईटी के लगभग कितने लोग होंगे? आईटी के तो और क्या फील्ड रहे होंगे सर? आईटी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, बायोकेमिकल फील्ड से सर आप ही हैं, केमिस्ट्री है। अभी यार ये डिफरेंस बता रहे थे, वो मैं नहीं जानता कि अभी ये तो फौरी तौर पर जो पेटेंट है जी, ये हम पब्लिकेशन तक ही है, ऐसा कुछ एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, एक बात की है। पेटेंट पब्लिश होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ये पेटेंट पब्लिश हुआ है, इसका मतलब अब इस पर कोई काम नहीं कर सकता, अभी हमारा वर्क है। ये जो आपके जहन में आया कि एक ऐसा जेल बनाया जाए या डिवाइस वाइटी के लोग होंगे, या ये प्रारंभिक काम से रहा, मतलब कहीं से तो चला होगा ये विचार, कहीं से तो चला होगा। जब मैं बाहर था, आई वाज वर्किंग फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनका प्रोग्राम ये था सर, वी आर वर्किंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज टू इयर्स इन द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज टू मेक देयर कैपेसिटी बिल्डिंग। मींस जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में दे डोंट हैव ए सीनियर टीचर, दे आर सेंडिंग मी देयर UNDP, they are paying me UNDP because Africa is very poor country. Most other countries in Africa are very poor. So, वहाँ पे सर एक कॉन्फ्रेंस में मेरी मुलाकात हुई थी केमिस्ट्री के जो थे, लगा तो हम एक पेटेंट को एक जेल को डिस्कवर कर रहे हैं, ऑलरेडी इस प्रोसेस में है, इन द प्रोसेस। सो हमें कुछ बायोकेमिकल टेस्ट कराने हैं, जो कि हम देखना चाहते हैं कि इन कंपाउंड के क्या टेस्ट हो सकते हैं, कोई कंपाउंड हार्मफुल है या फिर कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उसके लिए हम हेल्प चाहिए मुझे आपकी। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं भी तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, तो कहा ठीक है कोई नहीं, आपका जब भी हम पब्लिश करेंगे आपका नाम भी होगा इसमें। तो जो भी फैक्टर्स थे या फिर जो भी पैरामीटर्स थे वो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में उसको परफॉर्म किए, उनके साथ मिलकर टीचर्स पेटेंट का मिला। ये सर हुआ है, पब्लिकेशन डेट है मार्च 1, 2019।
तो ये पेटेंट किस स्टेज का कहेंगे? एक चीज तो होती है कि हमने कंप्लीट कर ली, कोई भी चीज कंप्लीट कर ली है, साहब हमें पेटेंट हो गया है, अब कोई भी और इस पे रिसर्च करे या हम ही और इस पे रिसर्च करें। पब्लिश होने का मतलब है सर, अब इसको कोई इस पे आप कोई और दूसरा काम नहीं कर सकता है, हम ही इस पे काम करेंगे। और जब भी हमें पूरा इसको जब पूरा बन जाएगा, मतलब एक तरह से हमारे पास ही है, चाहे हम इसको सेल करें, सेल आउट करें किसी कंपनी को इन नियर फ्यूचर, या फिर ना भी करें, तो जो भी हम इंफॉर्मेशन है किसी को अगर हम पास ऑन करेंगे, जो हमारे पास डाटा है, मान लीजिए कोई कंपनी ये भी कह देती है आप हमको डाटा दे दीजिए, जो भी आपके सिस्टम बनाए हैं आप इसका डाटा दे दीजिए, हम उसे अपने कुछ और डेवलप करना चाहते हैं, तो 19 मेंबर्स की उनके साथ कंसेंट ही उसको सेल आउट किया जाएगा, या फिर जो भी चेंज करना है। थोड़ी एक सवाल था, आपने कहा था कि अल्ट्रा वायलेट रेंज में जब आप दोबारा थेफ्ट आ जाएगा हमारा, तो चोर दोबारा आ जाएगा, तो सर कितना रेंज होगा जहाँ से उसे पकड़ा जा सकता है? जब भी कोई सस्पेक्ट आप पकड़ोगे ना, सस्पेक्ट ही पकड़ोगे कि हाँ ये सस्पेक्ट उस थेफ्ट में शामिल था, आप प्रूव कैसे करोगे उसमें शामिल था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 8 मंथ हो गए, 9 मंथ हो गए हैं, तो उसका एक जैसे अल्ट्रा वायलेट चैम्बर्स होते हैं, उस चैम्बर में अगर आप उस पर्सन को खड़ा करोगे तो उस जो उसका एक बार कोड आएगा, वो बारकोड आपके पास, वो स्कैन, तो बारकोड स्कैन होता है, मतलब हमको उसको लाना पड़ेगा, तभी आप उसके खिलाफ प्रूफ उसको कर सकते हो, एज ए प्रूफ जो बारकोड है वो आपका एज ए प्रूफ आएगा आपके केस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कि ये बारकोड इस बारकोड से मैच कर रहा है, केमिकल ऑलरेडी इसकी बॉडी में है, तो इसलिए ये ही था पर्सन जो कि थेफ्ट में शामिल है। तो ये इस टाइप ऑफ एंटी थेफ्ट डिवाइस क्लियरली अपने इस उपलब्धि को, इस रोल को कैसे देखते हैं? सर मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें काम करने में, और ये हमारे मेरे कैरियर, स्पेशली मेरे कैरियर के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, मेरे कैरियर को अपलिफ्ट करने के लिए और आगे, क्योंकि इस स्टेज पे पेटेंट पब्लिकेशन या फिर और पब्लिकेशन लोग करते हैं सर, हमारा एक स्टेज आती है वो पब्लिकेशन बहुत मैटर करते हैं हमारे लिए, उससे हमें फ़ायदा है, हमारे डिपार्टमेंट को भी फ़ायदा है, TMU यूनिवर्सिटी को भी, हम उसमें हमारी यूनिवर्सिटी को भी उससे बेनिफिटेड है, क्योंकि कहीं भी दिखाने के लिए पेटेंट अब चाहे वो पब्लिश हुआ हो चाहे वो हुआ हो वो बहुत